हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कॉर्नर। हम मैथ की 8.6 यूनिट कर रहे थे, जो कि थी मैक्सिमा मिनिमा मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसके अपने कुछ एग्जांपल और इसके फॉर्मूले वगैरह कर लिए थे। आज अपने अगला एग्जांपल देखते हैं, जो कि दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई त्रिक ऊंचाई, मतलब कोई त्रिक ऊंचाई दे रखी है, और महत्तम आयतन मतलब अधिकतम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना होता है, 10 इनवर्स √2 होता है। तो अपने देखो, एक शंकु माना जिसकी ऊंचाई h है, इसकी ये त्रिज्या मान ली स्मॉल r, इसकी त्रिक ऊंचाई स्मॉल l है, और ये अर्धशीर्ष कोण कितना है, थीटा है। अर्धशीर्ष कोण कितना है, थीटा है। अब अपने देखो, कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये करण, और जो रहेगी वो क्या है, आधार। तो यहां से अपने देखें, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालने हैं। यदि साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे करण, लंब आर है और करण एल है, तो आर बटे एल। यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर एक। अब दूसरा अपने देखें, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे करण मतलब एच बटे एल। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या है, आधार बटे करण मतलब एच बटे एल। तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा, l cos थीटा। इक्वेशन नंबर दो। अब जो ये शंकु है, इसका आयतन कितना होता है, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, v बराबर 1/3 पाई r की वैल्यू है l sin थीटा, इसकी स्क्वायर h की वैल्यू l cos थीटा। तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर का एल से मल्टीप्लाई किया तो एल क्यूब, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कोस थीटा। यहाँ से अब ये तो आ गई अपने वी की वैल्यू। अब यदि इसका अवकलन करें, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो पहले अवकलन करने पड़ेगा। तो थीटा के सापेक्ष यदि इसका अवकलन करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो क्या आएगा, डीवी बटे डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। ये नियत है, पहले साइन स्क्वायर थीटा अपने बाहर रखा और कोस थीटा का अवकलन किया तो वो क्या आ गया, माइनस का साइन थीटा। फिर प्लस कोस थीटा को कांस्टेंट माना और साइन थीटा का अपने अवकलन करें तो क्या आएगा, वो आएगा 2 sin थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा। ये अपने इसका अवकलन आ चुका है। अब यदि इसे और सोल्व करें तो क्या आएगा, डीवी अपॉन में डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, ये माइनस का साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया 2 sin थीटा और कोस के थीटा। ये अपने किसके की, डीवी अपॉन में डी थीटा की वैल्यू। अब यदि इसका अपने दोबारा से अवकलन करें, मैक्सिमम मिनिमम अपने फाइंड करना है, तो जो डबल डिफरेंशिएशन होगा, जो अपने डबल डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यू 0 से कम होगी तो क्या होगा, फलन मैक्सिमा होगा, और 0 से ज़्यादा होगी तो मिनिमा होगा, मतलब निम्निष्ट होगा। इसका दोबारा अपने करें द्वितीय कोटि का अवकलन, तो क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/3 पाई एल क्यूब साइन क्यूब थीटा। इसका अपने अवकलन करेंगे तो साइन क्यूब थीटा का क्या होगा, 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। ये आ गया अपने इसका अवकलन। फिर प्लस अब 2 sin थीटा कोस थीटा है, तो पहले मैंने जैसे 2 sin थीटा को कांस्टेंट माना और कोस स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो वो आएगा 2 cos थीटा और साथ में माइनस का साइन थीटा। यह आ गया इसका। फिर यदि अपने 2 cos थीटा को कांस्टेंट माने और साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। तो यहाँ से डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 और 2 4, ये साइन और साइन का किया तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, प्लस 2 cos थीटा और cos थीटा क्या आ गया, cos क्यूब थीटा। तो यहाँ से ये
डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/3 पाई एल क्यूब। ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये कितना हो गया माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और प्लस 2 कोस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आ गया अपने 3, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। अब अपने देखो फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए डी वी अपॉन में डी थीटा को 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से क्या करेंगे अपने वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपने डी वी अपॉन में डी थीटा है, इसे क्या करें 0 के इक्वल रखें। यदि इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो अपने क्या आता है 1/3 पाई एल क्यूब और अंदर क्या है माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस के थीटा बराबर 0 है। अब ये तो उधर गया तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या रह गया माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। माइनस का साइन क्यूब थीटा उधर जाएगा तो प्लस का साइन क्यूब थीटा और इधर रहेगा 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा कैंसिल होगा तो यहाँ पर रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और इधर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। यदि कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड में ले जाए तो अपने क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और इधर रह जाएगा 2। अब यहाँ से ये 10 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा रूट 2, तो थीटा इक्वल टू क्या 10 इनवर्स रूट 2। ये अपने प्रूव करना था किस पे जब फलन क्या हो मैक्सिमा, तो फलन मैक्सिमा भी अपने फाइंड करना है, मतलब इस पे वैल्यू क्यों आनी चाहिए 0 से कम आनी चाहिए। अब 0 से कम आने के लिए अपने देखो 10 थीटा तो रूट 2 आ गया। 10 थीटा क्या होता है देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या हो गया करण, ये आधार और ये थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार और ये करण हो गया। टेन थीटा कहता है लंब बटे आधार, तो लंब मतलब क्या है रूट 2, रूट 2 बटे 1 है, आधार क्या हो गया 1। अब आधार 1 है और लंब है रूट 2, तो करण कितना आएगा रूट 3। निकाल लो करण, करण बराबर कहता है अंडर रूट लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर, तो इन दोनों के स्केयर करें ऐड करेंगे तो ये आएगा रूट 3। चलो ये तो अपने ट्रायंगल बन गया। अब इससे किसकी वैल्यू निकलेगी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अपने निकलेगी। देखो यदि यहाँ से अपने साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होगा लंब बटा करण, लंब रूट 2 करण कितना है रूट 3, तो ये कितना आएगा रूट 2 बटा 3। अगर कोस थीटा निकालना तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आता है आधार बटा करण, आधार 1 और करण रूट 3, तो 1 बटा रूट 3। ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आगी, ये अपने किस में पुट करेंगे ये जो फॉर्मूला था इसमें अपने पुट करेंगे, तो क्या होगा देखो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर और यहाँ पे 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 7 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रूट 2/3 इसकी स्क्वायर, कोस थीटा की 1/3 है प्लस 2 कोस क्यूब मतलब 1/3 की क्यूब। यह यहाँ से डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 7 रूट 2 की स्क्वायर क्या होगी 2 और रूट 3 है इसकी स्क्वायर होगी 3 और साथ में ये रूट 3 है तो 3√3 और ये प्लस 2 रूट 3 की क्यूब क्या होगी 3√3। यहाँ से अपने डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर ये 1/3 पाई एल क्यूब, एल सी एम कितना आ गया 3√3, ये -14 और +2, तो यहाँ से ये कितनी आएगी डी स्क्वायर वी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब और ये आ गया माइनस का 12/3 3√3, जो कि क्या देखो ये सारी वैल्यू किस में अब यहाँ पे एल वगैरह की वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, जो कि क्या होगा 0 से कम। अब ये 0 से कम है अतः फलन क्या होगा
अतः फलन थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट दो पर उचिष्ट होगा। ये क्या है कि थीटा बराबर टेन इनवर्स दो पर उचिष्ट है, इस पे उचिष्ट है, और अर्धशीर्ष कोण भी कितना था, अपने थीटा ही माना था, तो ये प्रूव हो गया कि अर्धशीर्ष कोण कितना होगा उसका टेन इनवर्स रूट दो। अब अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं। तो अपने इसमें क्या करना था, ये प्रूव करना था कि अर्धशीर्ष कोण कितना था, थीटा टेन इनवर्स रूट दो। पहले प्रूव हो गया था, पर मैक्सिमा भी साथ में निकल जाए तो ये हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है कि एक अपने घनाभ आकार का कोई कुआ वगैरह है या फिर पात्र माने, जिसका जो आधार है मतलब जो तल है वो तो क्या है, वर्गाकार है, तल वर्गाकार है और ऊपर उसकी जो छत है वो खुली हुई है। क्या कह रहा है कि अगला जो एग्जांपल इसके, एक टैंक है जिसका जो आधार है मतलब तल है वो तो वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है और इसका जो ऊपर वाला भाग वो क्या है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो अब देखो, और साथ में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका जो अंतःप्रस्थ क्षेत्रफल है वो क्या है, न्यूनतम है, न्यूनतम है, तब इसकी लंबाई और गहराई का अनुपात ज्ञात करना है। एग्जाम्पल है बुक का कि अपने एक वर्गाकार आधार वाला टैंक है, वर्गाकार आधार वाला टैंक, छत क्या है, खुली है उसकी, ऊपर वाला भाग क्या है इसका, खुला है, और इसका जो अंतःप्रस्थ क्षेत्रफल वो कितना है, न्यूनतम, ये न्यूनतम कह रहे हैं, तब इसका क्या करना है, अपने गहराई मतलब ऊंचाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने माना टैंक की लंबाई कितनी है L, और ये क्या होगी चौड़ाई, क्योंकि आधार क्या है, वर्गाकार है, तो इसकी लंबाई L है, तो चौड़ाई भी क्या होगी L, टैंक की लंबाई और चौड़ाई बराबर आ गई। अब इसकी जो गहराई, वो कितनी है H, अतः टैंक का आयतन निकालना है, तो वो क्या होगा, अतः टैंक का आयतन V बराबर क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई L है, चौड़ाई भी L है, ऊंचाई H है, तो यहाँ से V बराबर क्या आएगा, L स्क्वायर है H, ये आ गया अपने आयतन। अब जो टैंक है, टैंक का क्षेत्रफल निकालना है, टैंक का क्षेत्रफल वो S माना। अब देखो चार इसकी दीवारें हैं, एक क्या तल है, छत तो खुली हुई है, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक दीवार का यदि क्षेत्रफल देखें L गुणा H है, मतलब लंबाई L और ऊंचाई H, तो चार का कितना आ जाएगा, चार गुणा LH, और प्लस में एक आधार मतलब तल वाला क्षेत्रफल भी आएगा, तल का कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है, तो L के, तो यहाँ से क्षेत्रफल S बराबर क्या है, चार LH प्लस L के, यहाँ से चार L, H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, H बराबर क्या है, V अपॉन में L स्क्वायर, H की जगह है V अपॉन में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, S इक्वल टू 4
चार वी एल का एल स्क्वायर में डिवाइड किया तो एल प्लस एल स्क्वायर, ये आगे क्षेत्रफल। अब यहाँ से अपने क्या उचिष्ट और निम्निष्ट वाली कंडीशन लगी कह रहा है उसका न्यूनतम परिष्ठित क्षेत्रफल है, तो पहले अपने क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एल के सापेक्ष। तो डी एस अपॉन में डी एल, ये चार वी एक बटा एल का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक बटा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या होगा दो एल। यहां से यह डी एस अपॉन में डी एल, यह माइनस का चार वी अपॉन में एल स्क्वायर प्लस दो एल, इक्वेशन नंबर दो। अब यदि इसका दोबारा से अपने अवकलन करें डबल डिफरेंशिएशन कर दें तो ये डी स्क्वायर एस अपॉन एल डी एल स्क्वायर, ये माइनस का चार वी एक बटा एल स्क्वायर का अपने अवकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का दो बटे में एल क्यूब और ये प्लस का दो। यहां से डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए और ये कितना हो गया आठ वी बटे में एल क्यूब प्लस दो। ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अब अपने चेक करना है इसकी वैल्यू जो निकालनी, तो अपने क्या करते हैं जो पहली बार अवकलन करते हैं उसे जीरो के बराबर रखते हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डी एस बटा डी एल इसे जीरो के बराबर रखा तो माइनस का चार वी बटे में एल स्क्वायर प्लस दो एल बराबर क्या हुआ जीरो। यहाँ से माइनस के चार वी को उधर लेके जाएंगे तो दो एल बराबर क्या आएगा चार वी बटे एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर इधर आ गया तो एल क्यूब दो का चार में भाग गया तो क्या रह गया दो वी। तो यहाँ पे एल क्यूब का मान कितना आ गया दो वी, एल क्यूब का मान आ गया दो वी। अब अपने ये जो एल क्यूब का मान है यदि तीन में रखें, तीन में रखेंगे तो अपने पता चल जाएगा ये मिनिमा है या मैक्सिमा फंक्शन जो ये क्षेत्रफल वाला माना है। क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमा होगा तो अपने चेक कर लेते मिनिमा है या नहीं, निम्निष्ट है या नहीं, न्यूनतम है या नहीं। तो ये एल क्यूब का मान समीकरण तीन में रखेंगे, समीकरण तीन में एल क्यूब का मान रखने पर तो क्या आएगा डी स्क्वायर एस बटे डी एल स्क्वायर जो ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का आठ, यहाँ पे आठ वी एल क्यूब का मान कितना है दो वी प्लस दो, ये आठ वी वी से वी गया आठ में दो का भाग गया चार प्लस दो कितना छः, छः क्या है जीरो से बड़ा, अतः फलन क्या होगा अतः जो टैंक है टैंक का अंतःप्रस्थ क्षेत्रफल न्यूनतम, ये तो पता चल गया न्यूनतम होगा। अब वो कह रहा है जब न्यूनतम क्षेत्रफल है जब तब क्या करना है ऊंचाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब गहराई और लंबाई का। अब अपने क्या करें ये जो क्वेश्चन नंबर चार थी यहाँ से v का मान कितना है एल क्यूब बटे दो, v का मान आएगा ना एल क्यूब ये दो इसके बाद में जाएगा तो v बराबर क्या है एल क्यूब बटे दो, ये मान समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक में v की जगह क्या रखा एल क्यूब बटे दो बराबर है एल स्क्वायर बटे एच, एल स्क्वायर एच एल क्यूब से एल स्क्वायर का डिवाइड हुआ तो क्या रहा एल बटे दो बराबर एच, ये एल उधर डिवाइड में चला गया तो एच बटे एल बराबर कितना आ गया एक बटे दो। ये है जो अपने टैंक है उसकी गहराई और लंबाई का अनुपात। तो क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा था कि एक टैंक है जिसका आधार वर्गाकार है, टैंक का अंतःप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है न्यूनतम है, टैंक ऊपर से खुला है तो इसकी गहराई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करना था। टैंक की लंबाई मान ली एल तो चौड़ाई भी एल हो जाएगी क्योंकि आधार क्या है वर्गाकार, वर्ग की बजाय सारी बराबर होती है। अब टैंक की गहराई एच मान ली, टैंक का आयतन क्या हुआ जो घनाभाकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा होना चाहिए तो एल एल एच क्या हो गया यहाँ से एल स्क्वायर एच आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो चार दीवारों का क्षेत्रफल और एक तल का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या हुआ एक का एल एच तो चार का चार एल एच और एक तल का एल स्क्वायर क्योंकि तल क्या है वर्गाकार। यहाँ पे जो एच है एच का मान समीकरण एक से निकालेंगे वो क्या है वी बटा एल स्क्वायर, तो वी बटा एल स्क्वायर का हल किया जाएगा। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये। अब पहला जो था फर्स्ट बार अवकलन किया था उसे जीरो के बराबर रखेंगे तो अपने एल क्यूब की दो वी वैल्यू आएगी। अब ये एल क्यूब की दो वी वैल्यू रखेंगे समीकरण तीन में
रखा तो अपने डबल डिफरेंशिएशन है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। इसका मान 6 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है, मतलब ये जो फलन है फंक्शन है या टैंक का अंतःप्रस्थ क्षेत्रफल है ये क्या न्यूनतम है। अब टैंक का क्षेत्रफल न्यूनतम है तो अपने क्या किया, यहाँ से जो v का मान निकला कितना, एल क्यूब बटे दो, एल क्यूब बटे दो यहाँ v की जगह रखा तो एल क्यूब बटे दो बराबर एल स्क्वायर एच, तो यहाँ से एच बटे एल का मान कितना आ गया, ये 1/2। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन किए थे आज, एग्जाम्पल किए थे। अब अगली क्लास में अपने इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।